दैट इज इंटरनेशनल योगा डे है ना, एक्सेप्टेड इन 2014 बाय यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 21 जून को भारत की जो देन है इंडियन कल्चर की, वेदास की, हमारे कल्चर में योगा बहुत एंशियंट टाइम से था। तो 21 जून के दिन यूएनओ ने इसको इंटरनेशनल योगा डे के रूप में एक्सेप्ट किया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि भारत इंडिया इसको इंडिया ने दिया, लेकिन फॉरेन कंट्रीज इसको ज्यादा परफॉर्म कर रही है, इसके इंपॉर्टेंस को ज्यादा समझ रही है। अब द क्वेश्चन इज दैट व्हाई ओनली 21 जून इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज अ योगा डे। भाई साल में 365 दिन, 6 घंटे थे, Why only 21st June is being celebrated as Yoga Day? Anybody can give the answer? Anybody? So according to the Indian mythology, there is two pakshas, Uttarayan and Dakshinayan. So is this paksh, jo Uttarayan hai, se Dakshinayan mein jata hai Surya. So just half of the year, according to the Indian calendar. That's why 21st June is being celebrated as a international yoga day. सबसे ज्यादा energy environment में इसी दिन होती है। 21st June is the biggest day in whole year. 365 दिन है। तो yoga is too much important. इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आप जब योगा परफॉर्म करते हैं तो सारा दिन आप एक एनर्जी महसूस करते हैं, और नॉट ओनली द फिजिकल एनर्जी यू कैन गेन बट द मेंटल पीस यू विल ऑल्सो गेन। आपको ये फिजिकल एनर्जी नहीं, वो आपको मेंटल पीस भी देता है। तो एज दिस मच इंपॉर्टेंस द योगा, योगा कीप्स इन आवर लाइफ, यू नो, इसकी जितनी महिमा की जाए उतना कम है। तो बच्चों, हेल्थ इज वेल्थ, ऐसा कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही जीवन का खजाना है। और टीचर्स कैन ऑल्सो ज्वाइन द योगा डे, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रिमूव योर शूज एंड स्लीपर एंड ज्वाइन द स्टूडेंट्स, प्लीज। आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स। इसमें श्वासों का बहुत महत्व है बच्चों, श्वास का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो आसन परफॉर्म करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं ताड़ासन। क्या बोलते हैं? ताड़ासन। हिंदी में ताड़ का मतलब होता है पेड़, है ना, अपने आपको पेड़ की तरह मजबूत बनाना है आपको। तो अपने दोनों पैरों को ऐसे करिए, इसे मिलाइए, फिर थोड़ा सा गैप बनाइए, बस काफी है। अब दोनों हाथों को ऐसे उंगलियों को ऐसे मोड़िए, एक में डालिए, फिर ऐसा मूव करिए और धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए। नीचे से एंकल को उठाइए और अपने टोस पर खड़े होइए। गहरी लंबी सांस, आप एक गहरी लंबी श्वास ली, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए लीजिए, ऐसे लंबी सांस लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लीजिए, फिर लंबी सांस लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लीजिए।